अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हैं वो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, यानी आपके पास अल्काइल हैलाइड आए, उसका मैग्नीशियम यानी मेटल से रिएक्शन करवा दें तो हमारे पास RMGX ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पहली बात तो ये बहुत रिएक्टिव कंपाउंड हैं। रीजन है R यानी के अल्काइल के कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान में हाईली पोलर बॉन्ड, इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी हमारे पास इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसके रिएक्शन ज्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले तो ये वॉटर के साथ रिएक्शन, अगर तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी CH3MgX, एक्स की जगह मैं Cl लिख देती हूं, प्लस वाटर, वाटर का H जो होगा वो हमारे पास ऐड होगा जाकर इस मिथाइल के ऊपर और ये OH मैग्नीशियम के साथ, तो हमारे पास CH3 CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस H2 प्लस Mg Cl एंड OH। यानी के अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन बनाने के लिए आप लोगों के पास आ जाए तो आप सिंपल रिएक्शन ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है रिएक्शन विद अमोनिया। लाइक CH3 आप इस अल्काइल की जगह पर कोई भी R ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। Mg Br ले लो प्लस NH3, इस NH3 में से एक H ऐड हो जाएगा CH4 प्लस Mg और Br के साथ NH2। थर्ड रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, दैट इज विद साइनाइड क्लोराइड। इसमें क्या होगा, CN ऐड हो जाएगा और Mg Br और Cl। अच्छा, ये जो कंपाउंड बना है ना, दिस इज मिथाइल साइनाइड। इसका दूसरा नाम भी है 1,2, दिस इज इथाइल नाइट्राइड। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये इथाइल नाइट्राइल के तौर पर भी जाना जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन यहां से अटैच होगी CH3, चेक कीजिएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो
और नेगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन ने एक दफा में दो बॉन्ड बनाने, कार्बन पांच तो नहीं बनाएगा ना, इसलिए वो नेगेटिव। इसका दूसरा रिएक्शन भी होगा, इसमें से एच इधर अटैच हो जाएगा, प्लस एम जी बी आर ओ एच। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होगा, अगर एक कार्बन का ग्रिग्नर रिएजेंट है तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दिस इज एसिटिक एसिड। अगर आपने प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो आप यहां पर इथाइल ग्रुप लोगे। क्लियर। अगला रिएक्शन है एच सी एच ओ के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। क्या होगा? सी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट, ओ नेगेटिव एम जी बी आर, एंड साथ यहां पर एच और प्लस कर दी इसमें वाटर, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस एम जी बी आर एंड ओ एच। क्लियर है? ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, ये बनी है प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज अल्फा कार्बन विच इज फर्दर अटैच विद वन बीटा कार्बन। ठीक है, अगला रिएक्शन हम चाहकर देखते हैं कौन सा है हमारे पास। द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के साथ ये हमारे पास आ जाता है एम जी बी आर प्लस सी एच थ्री सी एच ओ। सी एच थ्री इसको जरा ओपन करके मैं आपको बताती हूं, ये जाके सी एच थ्री से बॉन्ड बनाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ इधर एच और यहां सी एच थ्री डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड यहां एम जी बी आर। जैसा कार्बन डाइऑक्साइड की में हरकत हुई वैसी हरकतें होनी है। अब यहां पर ये दूसरा रिएक्शन इधर आएगा, वाटर के साथ क्या होगा? OH एच यहां लग गया, यहां पर सी एच थ्री लग गया, यहां पर एम जी बी आर और ओ एच। ये हमारे पास बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। अल्फा कार्बन इज फर्दर अटैच विद दी टू बीटा कार्बन। ठीक है, अब रिएक्शन करवाएंगे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री कीटोन के साथ। दिस इज एसीटोन एम जी बी आर प्लस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव, यहां पर भी सी एच थ्री और यहां पर भी सी एच थ्री, वाटर ऐड कर देंगे ओ नेगेटिव के साथ एम जी बी आर सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री एंड ओ एच साथ एम जी बी आर ओ एच।
इस तरीके से ये हमारे पास जो बना है दैट इज अल्फा कार्बन अटैच विद 3 बीटा कार्बन टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरीके से हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स बनते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। लास्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दैट इज विद एपॉक्साइड। दैट इज वेरी आसान सा, दिखाती हूँ मैं आपको। देखें CH2 CH2 NO, दिस इज एपॉक्साइड। इसका रिएक्शन करवाना है CH3 MgBr। सेम यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये CH2 यहां अटैच होगा, इस O के साथ जाकर MgBr अटैच होगा CH2 CH2 O MgBr। वाटर डालें CH3 CH2, हमेशा नेगेटिव स्पीशी के साथ पॉजिटिव हाइड्रोजन जाएगा और Mg के साथ हमेशा OH जाएगा, ये याद रखिएगा। ये भी प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। इस तरीके से हमारे पास ग्रिग्नार रिएजेंट आपने देखा है, दीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, Thank you.